जड़े दुष्कर्म पीड़िता नाबालिकों गर्भपात मामलें सुप्रीम कोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सुनाई पीड़िता गर्भपात होबानी सुप्रीम कोर्ट निर्देश देते नाबालिका दुष्कर्म पीड़िता को मिलला गर्भपातर अनुमति दुष्कर्म शिकार होता 14 वर्षीय नाबालिका को 30 सप्ताह भ्रूण को गर्भपात कराइबा को अनुमति देते सुप्रीम कोर्ट एथसह बॉम्बे हाईकोर्ट दे राय को सुप्रीम कोर्ट खारज कर दुष्कर्म मामला अटे एथसह पीड़िता बयस मात्र 14 वर्ष एभली असाधारण मामला को देखी गर्भपात कराइबा को अनुमति दीजिए बोली प्रधान विचारपति डी वाई चंद्रचूड़ नेतृत्व में गठित खंडपीठ सीजेआई नेतृत्वाधीन बेंच मेडिकल रिपोर्ट को देखा पर निष्पत्ति मुंबई हॉस्पिटल रिपोर्ट में कहुता जे नाबालिका गर्भपात कराइबा उचित तेरे पीड़िता गर्भपात कराइबारे जी विपद रही प्रसव बेले जीवन प्रति से विपद या मेडिकल बोर्ड मत दे दुष्कर्म पीड़िता को बॉम्बे हाईकोर्ट गर्भपात कराइबा अनुमति दे नथिले एहा परे 4 अप्रैल 2024 रे बॉम्बे हाईकोर्ट दीथिबा राय को चैलेंज करी पीड़िता मां सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले अप्रैल 19 शुक्रवार दिन अपराह 4:30 बेले सुप्रीम कोर्ट एही मामलार जरूरी शुणाणी होइथिला बॉम्बे हाईकोर्ट दीथिबा राय को सुप्रीम कोर्ट खारज करबा सह पीड़िता डाक्तरी परीक्षा पई निर्देश दीथिला गर्भपात होबा द्वारा नाबालिकार शारीरिक तथा मानसिक स्तर रे कि प्रभाव पकाइबो ताहा जानिबा पई पीड़िता को मेडिकल टेस्ट कराइबा निर्देश दीजिए शेष में 30 सप्ताह गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात सुप्रीम कोर्ट अनुमति देते। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।